बेसिकली सिचुएशन uh, ये थी कि अक्टूबर 2020 में एक सिविलियन है हसन अस्करी वो सिविलियन है, है उन्होंने ख़त लिखा था जनरल बाजवा को और um, उसके बाद उन्हें बेसिकली एक अक्टूबर को एफ आई आर कटती है सेक्शन वन थ्री वन पी पी सी के तहत यानी जो मतलब एडिंग एंड बेटिंग म्यूटनी विदिन द आर्म्ड फोर्स इसेंशली और अगले दिन यानी दो तारीख़ को उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पहले घर से उठाया जाता है कोई बताता नहीं है कि क्या चार्ज है कहाँ लेकर जा रहे हैं फैमिली को कुछ नहीं बताते उसे वो मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं और उधर उसे मिलिट्री कस्टडी हैंड ओवर कर देते हैं और फिर उसका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है और ये एक बहुत परेशान कन सिचुएशन है क्योंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इज़ द हाइस लेवल ऑफ़ कोर्ट मार्शल और अमूमा वो पीस टाइम में कन्वीन भी नहीं होता तो एक के पीस टाइम में कन्वीन नहीं होता और दूसरा सिविलियन के ख़िलाफ़ एफ जी इस्तेमाल किया गया ये बहुत कंसर्निंग था रिट पटिशन दायर की गई इस्लामाबाद हाँ कोर्ट में मैजस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वो रिट पटिशन डिसमिस हुई उसके बाद हमारी इंट्रा कोर्ट अपील अभी इस्लाम आबाद में अब सब जुडेस है उसमें ऑर्डर जजमेंट रिज़र्व हुई हुई है हम उसके इंतजार में अब एक महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया कि वो जजमेंट रिज़र्व हुई थी उधर हमने फ़ाइल की थी एक रिट दरख्वास्त कि इससे साहिवाल हाई सिक्योरिटी प्रिजन से जहाँ दहशत गर्दों को रखा जाता है उधर से ट्रांसफ़र करके सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी भेजा जाए क्योंकि वो उसके फैमिली और उसके होम डिस्ट्रिक्ट के करीब है हाँ हाँ। वो ऑर्डर बहुत तवील लीगल बैटल के बाद हम जीते हैं केस ऑर्डर आ गया और ऑर्डर में लिखा कि दो हफ्ते के अंदर अंदर इसका ट्रांसफ़र किया जाए नौ महीने हो गए हैं हमने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की थी दो हफ़्तों के एक्सपायरी के बाद आज तक कोई जज वो केस सुनने के लिए तैयार नहीं है लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में एक जज वो केस सुनने के लिए तैयार नहीं है कंटेम्प्ट और वो अपने कोर्ट के ऑर्डर की हुई है और वो जज साहब जिन्होंने ऑर्डर दिया वो भी फौत हो गए हैं तो उन्हें थोड़ी सी मतलब है ये डिसेंसी भी नहीं है कि हमारा कोर्ट का ऑर्डर इतना ब्रेज़नली वायलेट हो रहा है लेकिन हम केस कंटेम्प भी नहीं सुनना चाहते तो ये अभी की सिचुएशन है तो मतलब एक आदमी का क्या होगा कि उसका मतलब उसका मतलब एक होता है ना हमारे जब दो बंदों की लड़ाई होती है तो दूसरा कहता है कि चलो यार आई सी यू इन द कोर्ट और कोर्ट ही आपको सुनने को तैयार ना होता फिर सूरत में क्या ये करें ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है ना और इसलिए मैं कहती हूँ कि जो हमारी अदलिया है मैं सारे जजेस की बात हरगज़ नहीं करी लेकिन hmm. एक जो इंस्टीट्यूशन है हमारी अदिया का उसने हमेशा गलत साइड को सपोर्ट किया है फ़ौज का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज hmm. का इन्फ्लुएंस रहा है तो ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है ख़ासकर क्योंकि आप आईनी अदालतों में उस वक्त जाते हैं जब आपके पास कोई और रेमेडी नहीं रहती इट्स योर लास्ट रिजॉर्ट तो अगर कोई उधर जा रहा है और आप भी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है या आप में हिम्मत नहीं है उन्हें उस रिलीफ देने की जो आइन कहता है आपको उन्हें देनी चाहिए

एफ़ आई आर जो होता है और उसमें जो सेक्शन आप लगाते हैं पी पी सी का या एंटी टेररिज्म एक्ट जो भी कानून होता है उसके तहत फिर चार्ज श्रेम होता है और फिर ट्रायल चलती है इधर अजीब सी सिचुएशन थी वन थ्री वन पी पी सी आपने डाला एफ आई आर में नहीं। नहीं। वो अमूमन ट्राई होता है ऑर्डनरी क्रिमिनल कोर्ट्स के जरिए नॉट कोर्ट मार्शल और सिविलियन ऊपर से था कोई आर्म फोर्सेस का पर्सनल तो uh. नहीं था तो ये उसकी सिचुएशन थी कि 131 का एफआईआर था और ट्रायल हुई है सेक्शन 31 डी आर्मी एक्ट की बैटिंग इन सबोर्डिनेशन इन दी आर्म्ड फोर्सेस तो हमारा पूरा यही केस uh, चल रहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में uh, केजी जी क्या उसका हैंडओवर हो सकता था या नहीं हो सकता था ऑब्वियसली हमारी पोजिशन है कि वो नहीं हो सकता था है।